नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सोमवार को पराली जलाने के मामलों में बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। पंजाब में 2060 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि इसी तारीख को पंजाब में पिछले साल 599 पराली जलाने के मामले सामने आए थे। पंजाब में पराली जलाने को अब तक के 19,463 मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब पंजाब के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। पंजाब के बठिंडा में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 पहुंच चुका है। इसके अलावा जालंधर में AQI 235, खन्ना में AQI 205, लुधियाना में AQI 274, मंडी गोविंदगढ़ में 292 पहुंच गया है। इसके अलावा पटियाला में 234, रूपनगर में 210, अमृतसर में 226 पहुंच गया है। वहीं बात करें पंजाब में किस जिले में कितने पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, तो संगरूर जिले में सबसे अधिक यानी कि 509 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मानसा जिले में 195 तो मोगा जिले में 110 मामले, वहीं फरीदकोट जिले में 122 मामले, फिरोजपुर जिले में 146 मामले और बठिंडा जिले में 210 मामले सामने आए हैं। बता देते हैं इन पूरे मामलों के सामने आने के बाद हवा में AQI की मात्रा बढ़ गई है, जिससे कि हवा खराब होती हुई नजर आ रही है और इसका असर दिल्ली तक पहुंच रहा है।